जातीय जनगणना को लेकर जो रार बिहार में छिड़ी है उसको लेकर आज एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उठाया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। बता दें आपको कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव ने जो जातीय जनगणना का मुद्दा है उसे उठाया और कहा कि कुछ लोग हैं जो समाजवाद का चोला पहनते हैं लेकिन समाजवाद से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब सदन में जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया, सभी राजनीतिक दलों ने उसको लेकर अपनी सहमति जताई, तो अब तमाम दलों के साथ बैठक करने का क्या मामला है? क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, पहले आप उनका ये पूरा वक्तव्य सुने। पार्लियामेंट में हम तो बोले थे भाई बिहार सरकार को अपने खर्च पे समाजवादी चोला पहन करके समाजवादी हो जाइएगा। आप कहते कि होना चाहिए, जब दो बार बिहार विधानसभा प्रस्ताव पारित कर दिया तो क्या मतलब रह गया भाई ऑल पार्टी मीटिंग मनाने का? ऑल ए पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया भाई बिहार विधानसभा परिषद से, तो क्या मतलब रह जाता है, जिसमें कि भाजपा भी थी। और आप जो कहते हैं कि बैठक बुलाई जाएगी, हम बोले ठीक है बैठक की कोई आवश्यकता। आपने सुना, साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर एक जोरदार हमला किया है। वहीं बात की जाए तो समाजवाद का चोला पहनने वाले हैं नीतीश कुमार, इसको भी तेजस्वी यादव ने कोट किया है। गौरतलब हो कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा था कि अगर समाजवाद का उदाहरण देखना है तो नीतीश कुमार को देखें, क्योंकि उनके परिवार या उनके जो रिश्तेदार हैं कोई भी देश के सियासत में कहीं भी नजर नहीं आता। समाजवाद का असली पुरोधा अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि समाजवाद का एक मिसाल नीतीश कुमार हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य पर बड़ी टिप्पणी की और आईना सुबह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखाया है। देखने वाली बात होगी कि जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया, तो आने वाले समय में इस पूरे प्रकरण पर एनडीए के लोग किस तरीके से प्रतिक्रियाएं देते हैं। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।